बिल्कुल सही किया गया जनाब, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं। जो बंदा कहता है मुझसे घूम गया है, इतना कॉन्फिडेंशियल पेपर गवर्नमेंट का, तो उसका ये बनता है उसका 15-20 बंदे इकट्ठे हो, 50 बंदे नाल लड़न, तो फिर समझ आती नहीं उन्होंने को हाथ पाने वाला कोई हो, तो कले बंदे मैंने तो कले बंदे की कोई बात नहीं हैगी। इन लोगों ने सिर्फ सियासी गेम ने सब चूहे बिल्ली का खेल खेल देने, और इस अलावा इन लोगों को कुछ भी नहीं है। IMF के नाल मुतालबे मुहदे करके आया, जेड़ा अगला आया उन्हें भी उन्होंने किए ने सारे, वो की कहते हैं पंजाबी की मजाक कुत्ती चोरों रली। ये तो जब इलेक्शन होंगे फिर ही पता चलेगा वो कसूरवार है या नहीं है, अमरीका ने इसकी गवर्नमेंट गड़ाई है या नहीं गड़ाई है, तो जब इलेक्शन होंगे फिर ही पता चलेगा। ये गलत हुआ उसके साथ, वो एक अच्छा इंसान था, लीडर था हमारा, हम उसके साथ हैं। इमरान खान जबरदस्त सियासी है, क्यों पाकिस्तान का एक अनमोल हीरा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आतिफ मलिक। नाजरीन, FIA ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दे दिया है और अदालत में उनके खिलाफ चलान भी जमा करवा दिया है, इस पर आम आवाम की क्या राय है, आइए जानते हैं उन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान खान को साइफर केस में कसूरवार करार दे दिया गया, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, ये तो जब इलेक्शन होंगे फिर ही पता चलेगा वो कसूरवार है या नहीं है, अमेरिका ने इसकी गवर्नमेंट कराई है या नहीं कराई है, तो जब इलेक्शन होंगे फिर ही पता चले। आज ही वो इलेक्शन करा लें तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह कल इमरान खान आज भी जीत जाएगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा ये गलत हुआ है, ये सजा उसकी बनती नहीं, जो ये तो कराई गई है साजिश से आई है। तो लेकिन आप देखें ना, अदालत में उनके खिलाफ चलान भी जमा हुआ है, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान दोनों के खिलाफ यानी कि हुआ है, तो आपको लगता नहीं है कि अदालत पे यानी कि गलत हुआ? ऐसी सजाएं तो नवाज शरीफ को बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए जो अभी का मिली नहीं, जो अभी भी बाहर है वो आएगा, उसका इस्तकबाल भी किया जाएगा, सब कुछ होगा, उसके लिए तो कोई नहीं बोलता, कोई भी आवाज़ नहीं उठाता, वो गलत है, ऐसे है, सारी अदालत इसके लिए बनी हुई है। गलत किया है, अगर इलेक्शन हुए तो हम इंशाल्लाह ताला इमरान खान को वोट दें, जितनी महंगाई होगी। लेकिन एक तरफ महंगाई में तो बेशक हर बंदा फिसा हुआ है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि FIA ने सारी तस्दीक की है, कसूरवार करार दे दिया गया है, एक स्टेटमेंट यानी कि स्टेट के लिए क्या अच्छी बात भी तो नहीं थी ना? ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत हुआ उसके साथ, वो एक अच्छा इंसान था, लीडर था हमारा, हम उसके साथ हैं, इंशाल्लाह अगर कोई इलेक्शन वगैरह हुए तो हम उसको वोट। कसूरवार करार दे दिया गया, फिर भी वो गलत किया उन्होंने, कसूरवार किया वो गलत किया, वो अच्छा लीडर है हमारे लिए, जब वो था इतनी महंगाई नहीं थी, बिल नहीं थी इतने आ रहे, अब हमारा एक पखे का बिल तकरीबन 10,000 रुपया आया, वो कहाँ से दूँ, साढ़े ड्राइवर हूँ मैं, कहाँ से दूँ, वो परेशानी में बैठा हूँ, आज आखिरी तरीक है। इमरान खान जबरदस्त सियासी है, क्यों पाकिस्तान का एक अनमोल हीरा, पाकिस्तान का एक अनमोल हीरा जे, उन्हें जाया दुनिया कह रही है कि इसकी कदर करो, दुनिया ऑल वर्ल्ड कह रहे हैं कि इसकी कदर करो, लेकिन इतने कोई भी अनमोल हीरा है उसकी कोई कदर नहीं गई। बस इस तो बाद ना एक बंदा कागज लड़ा सी साइफर के उत्ते, वो बिल्कुल सही सी, कसूरवार करार दे दिता गया है, कसूर तुम्हें नहीं पता, तो मैं सा किनू नहीं पता कि जायज दिता या नजायज दिता है, FIA ने तस्दीक की है सारी। ओ भाई जी तुम ये देखो कि उत्ते कि डंडा है, डंडे का सीधे सारा कुछ होगा, पहला वजीर आजम तो नवाज शरीफ से लैके वजीर आजम तो थले जिन्ने चमचे कट सारे ही कहते कि हर हाल च बंद करना, हर हाल च बंद करना है, और उन्होंने कर दिता है, कोई उन्होंने चलान भी जमा हो गए उन्होंने खिलाफ, फिर भी तुम यानी कि यकीन नहीं कर रहे? असी अदालतों का यकीन है, लेकिन उसने उन्होंने सिर पर भी डंडा है जबरदस्त, माफिया जिन्ना भी बैठा है सारा करप्ट है, वो कला बंदा तो की करेगा, गल है वे जहाँ तक 10-15-20 बंदे इकट्ठे हो, 50 बंदे नाल लड़न, तो फिर समझ आती नहीं उन्होंने को हाथ पाने वाला कोई हो, कले बंदे की कोई बात नहीं हैगी। इन लोगों ने सिर्फ सियासी गेम ने सब चूहे बिल्ली का खेल खेल देने, और इस अलावा इन लोगों को कुछ भी नहीं है। वो तो कहता सी हुकूमत मेरी डिगन के फलाने मुल्क हाथ है, अमरीका का हाथ है, टेक्नोलॉजी का दौर है, सारिया सहूलत होने के बावजूद, हर चीज होने के बावजूद, पूरी पावर होने के बावजूद ए लोग कुछ नहीं कर रहे, आवाम दलदल खेल रहे, और की कर रहे हैं। बिल्कुल सही किया गया जनाब, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं, जो बंदा कहता है मुझसे घूम गया है, इतना कॉन्फिडेंशियल पेपर गवर्नमेंट का, तो उसका ये बनता है उसका। अच्छा इसलिए कि उसने कांग्रेस धोखा किया ना, कि ये मुझे अमेरिका ने साजिश कर दिया, ये किया, जब बेनका वो है ये मुझसे घूम गया है, उसके साथ जितने बंदे हैं सबको साथ लटकाना चाहिए, खाली उसको नहीं सबको जो जो साथ है उसके। शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के खिलाफ जमा भी करवा दिया गया चलान अदालत में, जो भी है असद उमर होगा, ये हो गया शहजाद हो गया, ये सब बंदे इसके साथ इन्वॉल्व है।
यानी कि आप कह रहे हैं कि जो भी कसूरवार है सबको अंदर किया जाए। नून लीग का है चाहे पीटीआई का या पीपल्स पार्टी का, कौम के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। सबसे पहले तो हम आपके शुक्र गुजार हैं कि आप हमारी गरीबों की आवाज़ बुलंद करते हैं। इस केस में इसे नज़र ना ही देखने कि ये IMF के नाल मुतालबे मुहदे करके आया है, जेड़ा अगला आया उन्हें भी उन्होंने किए ने सारे वो की कहते हैं पंजाबी की मजाक कुत्ती चोरा ना रली। हाँ जी, ये कुत्ती चोरा ना रली है, इतों भजते हैं अमेरिका जाके तो जो अपना कमेंटमेंट करते हैं उ हों। अमरीका खान कहता सी, इमरान खान कहता सी कि अमरीका ने मेरी हुकूमत डेगी, उनके बारे बई डेग दी कि हुकूमत अमरीका ही डेग दी है जदों भी डेगनी। हुण वेखो ना इलैक्शन होने ने, असीं एक रक्षा लिया है, रक्षा ड्राइवर हाँ, ठीक है, इन्ना का नॉलेज असी भी रखने कि उत्थे बह के जिहड़ा जिहड़ा इन्हां कमेंटमेंट करनी साढ़े गरीब लोगों के वोटों की इन्हां नूं लोड़ नहीं रह गई। इमरान खान साहब को साइफर केस में कसूरवार करार दे दिया गया है, उनके खिलाफ अदालत में चलान भी जमा करवा दिए गए हैं। अगर इस बारे में आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आतिफ मलिक को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।